जी, मैं हूं बीएस और आप देख रहे हैं बीएस फिल्म्स प्रोडक्शन। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे हम एडिट की हुई वीडियो को री एडिट कर सकते हैं डाविंची रिजोल्व के अंदर, वो भी चंद क्लिक से। जी बिल्कुल, चंद क्लिक से आप वीडियो एडिट की हुई को नॉर्मल वैसे ही कट लगा सकते हैं जैसे कि एडिटिंग के अंदर आपका फ्रेम बाय फ्रेम के हिसाब से कट लगा हुआ। तो यहां से मैं न्यू प्रोजेक्ट कर लेता हूं, मैं यहां से मीडिया पूल के अंदर चला जाता हूं। मीडिया पूल के अंदर हम लाएंगे अपनी एडिट की हुई वीडियो को, जैसा कि मान ले अगर आप प्रीमियर के ऊपर एडिटिंग करते हैं ऑलरेडी, या ईडीएस के ऊपर एडिटिंग करते हैं, या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करते हैं, तो आपको कलर ग्रेडिंग या ट्रांजेक्शन या कुछ आपको डाविंची रिजोल्व के अंदर अच्छा लगता है। ऑफकोर्स कलर ग्रेडिंग तो आपको अच्छी लगती होगी डाविंची रिजोल्व की, क्योंकि मेरा मानना है डाविंची रिजोल्व जैसी कलर ग्रेडिंग और कोई प्लेटफॉर्म नहीं देता आपको। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी और सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं और उसके अंदर एडिट कर ले वीडियो को और डाविंची रिजोल्व के अंदर लाके इसको कलर ग्रेड कर ले, तो ये वीडियो आपके लिए है। बेसिकली वैसे ये स्पेशली वीडियो मैं भट्टी साहब के लिए बना रहा हूं। भट्टी साहब जो हैं मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, वो प्रीमियर के ऊपर वर्क करते हैं और अच्छा वर्क करते हैं। अगर आप उनका काम देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे साबरीज फोटोग्राफ, तो ये आपको चैनल मिल जाएगा। इसके ऊपर इन्होंने कुछ अपने किए हुए वर्क अपलोड किए हैं, काफी अच्छा वर्क करते हैं। इनको मैंने बोला कि आप डाविंची रिजोल्व पे काम करो, तो इनको डाविंची रिजोल्व बहुत अच्छा लगा, बट फिर भी वो प्रीमियर के ऊपर वर्क करें। तो मेरी उनके साथ बात हुई, उन्होंने मुझे प्रॉब्लम बताई, उसी प्रॉब्लम को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि जो प्रॉब्लम भट्टी साहब को फेस करने को मिल रही है, वही प्रॉब्लम अगर किसी और के साथ आ रही है तो उसकी प्रॉब्लम यहां पे हल हो जाए। होगा मेरे साथ इश्क की लो तुम्हें बहुत। मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं चला रहा हूँ ताकि कॉपीराइट की प्रॉब्लम नहीं आए। यहाँ से एक और वीडियो चला के दिखा देता हूँ मैं। ये भट्टी साहब ने प्रीमियर के ऊपर एडिट की हुई है भाई। वाह जी वाह, क्या बात है, ब्यूटीफुल, नाइस 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 वर्क किया हुआ। अच्छा, तो ये प्रीमियर के ऊपर वर्क किया हुआ है, तो मैंने बोला डाविंची रिजोल्व के ऊपर वर्क करें, इनको डाविंची रिजोल्व बहुत अच्छा लगा, बट इनको डाविंची रिजोल्व के अंदर वीडियो को मिक्स करते हुए प्रॉब्लम आती है, काफी ज्यादा कैमरे ज्वाइन करते हुए एडिट करने के अंदर उनको दिक्कत आती है। तो वो क्या करते हैं कि अभी भी प्रीमियर के अंदर वर्क कर रहे हैं, डाविंची रिजोल्व के ऊपर काफी खास कोई काम हो तो वो कर रहे हैं, बाकी सारा काम प्रीमियर के ऊपर कर रहे हैं। तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप ऐसा करें, हाईलाइट सॉन्ग वगैरह प्रीमियर के अंदर ही बनाएं और डाविंची रिजोल्व के अंदर लाके दोबारा से उसको क्लिक करें, वो ऑटोमेटिक रीएडिट हो जाएगा और एक एक क्लिप के ऊपर कलर ग्रेड करते हैं। वैसे तो हर क्लिप के कलर एक जैसे नहीं होते, वो डिफरेंट टेम्परेचर से शूट हुए होते हैं, किसी की लाइट ज्यादा होती है, किसी के कलर कैसे होते हैं, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, एक जैसे नहीं होते, तो मैन्युअली सब क्लिप को एक एक करके एडजस्ट करना पड़ता है। तो अगर हम एडिट वीडियो कर लेते हैं तो फिर हम इधर लाए तो एक क्लिप को एडजस्ट करें तो बाकी वीडियो के अंदर प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए हमें दोबारा से कट लगाने पड़ते हैं। डाविंची रिजोल्व के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, मैं यहां से इसको डिलीट कर देता हूं और ये हमारी जो वीडियो एडिट की हुई है इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूं। राइट क्लिक करके मैं यहां पे आ जाता हूं सीन कट डिटेक्शन। सीन कट डिटेक्शन के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये एक नई बार ओपन हो जाए। इस बार के अंदर अगर आप देखें तो ये हमारी वीडियो का स्टार्ट है, ये देखिए ये ऐसे वीडियो चल रही है, ऐसे एक टाइमलाइन है, तो वीडियो हमारी स्टार्ट हो रही है ब्लैक से, क्योंकि यहां से स्टार्ट से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये वाला फ्रेम हमारा स्टार्ट वाला है। और जैसे ही हम इस प्ले हेड को मूव करते हैं तो हमारी वीडियो ऐसे चलती हुई दिखाई। अगर आप यहां नीचे आए तो ऑटो सीन डिटेक्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर अगर हम माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसके फ्रेम को स्कैन करेगा और जहां जहां पर हमारा सीन कट हुआ हुआ है, जो हमारा क्लिप चेंज हुआ हुआ है डायरेक्शन और मूव के हिसाब से, ये ऑटोमेटिकली वहां पर कट लगा देगा, पॉइंट्स ऐड कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसने पॉइंट्स ऐड कर दिए और इन पॉइंट्स को चेक करने के लिए हमें इसने पॉइंट्स सही एग्जैक्ट अपनी जगह पर लगाए हैं, ये आगे पीछे लगा दिए हैं। तो यहां पर अगर हम देखें इसने पांच क्लिप जो है ना कट किए हैं। हम फर्स्ट नंबर के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि स्टार्ट में ब्लैंक स्क्रीन है, ब्लैक फ्रेम है, क्योंकि हमारा ब्लैक से स्टार्ट हो रही है इन्फॉर्मेशन और ये बिल्कुल एक्यूरेट है। और अगर हम यहां से नेक्स्ट कट के ऊपर जाना चाहते हैं तो इस साइड पे अगर आप देखें ये हमारे पॉइंट्स जो दिखाई दे रहे हैं, यहां से नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहां पे देखें नेक्स्ट फ्रेम आ गया और आगे दो फ्रेम एक जैसे आगे, बिल्कुल ओके है। नेक्स्ट क्लिप के ऊपर जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे तो ये लास्ट वाला फ्रेम और आगे वाले दो फ्रेम आ गए। फिर हम ऐसे आएंगे जहां पर आपको लगे ये स्टार्ट वाले दो फ्रेम एक जैसे आ जाएंगे तो वो कट आपका रॉन्ग होगा, वो आपको यहां से डिलीट कर देना होगा। इसको डिलीट करने के लिए यहां पे ये आपको दिखाई दे रहा है, यहां से आप पॉइंट को डिलीट भी कर सकते हैं और यहां से ऐड भी कर सकते हैं। जहां पर आप अपने प्ले हेड को लाएंगे, लाकर वहां पे ऐड पे क्लिक करेंगे, आपका पॉइंट ऐड हो जाएगा और जिस पॉइंट को आप डिलीट करना चाह रहे होंगे जो रॉन्ग लगा होगा आपका, उसके ऊपर क्लिक करके यहां से आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी ओके है, मैं इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूं, ओके, ये भी ओके, ये भी ओके, ये भी ओके और ये टोटली पॉइंट्स इसने करेक्ट लोकेशन के ऊपर लगाए हैं, ये आप देख सकते हैं। जहां पर आपको
आपको लगे कि ये स्टार्ट वाले दो फ्रेम एक जैसे आ रहे हैं, वो पॉइंट मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि वो रॉन्ग होगा, उसको आपको डिलीट करना होगा। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको ये इसके नीचे दिखाई दे रहा है एड कट टू मीडिया पूल, इसके ऊपर अगर आप क्लिक कर देंगे ये ऑटोमेटिकली आपके क्लिप जो है मीडिया पूल के अंदर चले गए। यहां से इसको आप क्लोज कर दें, अगर आप देखें तो मीडिया पूल के अंदर हमारे जो क्लिप हैं कट लग के आ चुके हैं। और यहां से मैं टोटल क्लिप्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा और क्रिएट अ न्यू टाइमलाइन क्लिप सिलेक्ट कर दूंगा और टाइमलाइन 1 क्रिएट, और यहां से डायरेक्टली मैं एडिट पैनल के अंदर अगर जाता हूं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो वीडियो एडिट हुई हुई थी जहां जहां हमारे क्लिप चेंज हुए उसने ऑटोमेटिकली वहां वहां पर कट लगा। और अगर आप देखें तो इसके अंदर एक ऐसा क्लिप भी है जहां पर उसने कट लगाया ही नहीं, तो ये आपको चेक करना होगा। बाज़ुकात कुछ ऐसा होता है कि इंफॉर्मेशन कुछ सेम सेम होती हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्कैन नहीं कर पाता, इस वजह से आपको इसे ऐसे चेक कर लेना है। और जहां पर आपको लगे कि ये क्लिप का फ्रेम चेंज हुआ, और यहां पर मैं मैन्युअली कट लगा देता हूं ये चीज, और जहां पर आपका कट रॉन्ग लगा होगा वहां पर आपने उस कट को इरेज कर देना है। यहां पर भी कट नहीं लगा हुआ था, यहां पर भी मैं कट मैन्युअली ऐड कर देता हूं। ये बाजू का ऐसा नहीं होता, मैंने जानबूझकर वीडियो इन्फॉर्मेशन सेम वाली रखी है ताकि ये इशू आए और आपको मैं साथ साथ बता कि आप अंधा एतमाद करके ऐसे ही नहीं गुजर जाए ना। यहां से अब आप अगर कलर ग्रेडिंग या ट्रांजैक्शन फिल्टर्स वगैरह यूज करना चाहते हैं कुछ भी इसके ऊपर दोबारा से यूज कर सकते हैं। और यहां से आप कलर ग्रेडिंग टूल के अंदर चले जाएं, कलर ग्रेडिंग के अंदर आकर आपको यहां पर ये अलग अलग क्लिप दिखाई दे रहे हैं, वन बाय वन क्लिप के ऊपर आप कलर ग्रेड कर सकते। तो भट्टी साहब आपको जो प्रॉब्लम आती थी टाइमलाइन वर्क के अंदर, आप टाइमलाइन वर्क प्रीमियर के अंदर करें और दोबारा से कलर ग्रेडिंग लाके डेविंची रिजोल्व के अंदर करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत पड़ जाएगी डेविंची रिजोल्व यूज करने की। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।